इस बीच पहली वर्ड को लेके बाबू आते हुए, देखते क्या अपना अंदाज दिखाते हैं हसने नैन बाबू। और पहली ही गेंद अंपायर का इशारा वाइट। पहली गेंद वाइट, क्या नाम इसका, बाबू बाबू अपनी ओर की पहली गेंद लेके हसनैन के लिए, और ये चार रन, बहुत बेहतरीन शॉट। हसनैन जो काफी टच में हसनैन जो कि काफी फॉर्म में है, और ये जो देखना है बाबू अपने ओर की दूसरी गेंद लेके हसनैन के लिए, बहुत बेहतरीन शॉट, कट शॉट, आठ रन, नौ रन, दो बोल। टिक्की पूरी ठोक ठोक रखदा, डेंजर ते जान लेवा शौक रखदा, दूरी फुट दी बना के ऐ मंदिर खड़दी, दब विच पर के गलाउ करदा, टिक्की पूरी ठोक ठोक रखदा, डेंजर ते जान लेवा शौक रखदा। बाबू अपने ओवर की तीसरी गेंद लेकर हसनैन के लिए, फिर से एक बार अंपायर का इशारा वाइट, दो गेंद दस रन, बाबू को पूरी तरह धो डाला है हसनैन ने। और हसनैन जो कि 5,500 की नई बैट लाई हुई थी, लेकिन उनके अब्बा ने तिजोरी में से जूनी बैट निकाल के उनको दिया, और वो सिक्सर फोर लगाते थे। बाबू जो थोड़ी अपनी दिशा से भटकते हुए, बाबू की चाल बिल्कुल एकदम घोड़े की तरह है, काफी फास्ट गेंदबाज है, और ये फिर से एक बार शॉट डिलीवरी, चार रन, कोई मौका नहीं, अफसरुल देखते रह गए और गेंद चली गई, हैट्रिक हसनैन को 500 रुपए। गेंद भाई टायर वाले की तरफ से, करे शाइन जे मैं टॉप बल्ली है, मुंह हां उते रख दे आ चुप बल्ली है, सक्सेस रहंदी शहर विच शोर करदी, साडा टॉप ते बंदूखा दा ग्रुप बल्ली है, जिन्ना जिन्ना नाल मेरी यारी अलड़े असलमान। हमारे गांव के ज्येष्ठ नागरिक बीजेपी के सलाहकार, उनका स्वागत है स्टेज पे आकर बैठे, और शोभा भरा है हमारे स्टेज की इलियास लोनबाल। बैनर देख के गए, वो बैनर 2,00,000 रुपए का है, एक एक फोटो धस हर के, दो वाइट, तीन बोल, 14 रन। बाबू अपनी दिशा से भटकते हुए, देखना आपने और की चौथी गेंद, और ये एक है, एक पीछे ने, एक है साजिद, एक रन, एक वाइट ने ना उपीस, वाइट प्लस दो, 16 रन, वाइट प्लस एक, तीन बॉल, 16 रन, बाबू को धो डाला। तीन गिने 16 रन, क्या इस सीपीएल की सबसे महंगी ओवर होगी बाबू की, देखना है। बाबू अपने ओवर की चौथी गेंद लेकर हसनैन के लिए, और ये कैट ड्रॉप, 22 मुन्ना अंसारी को आ चुके हैं पहले, चार बॉल, 16। बाबू को शाबू लगा के धो डाला। देखना है फिर से एक बार, बाबू हसनैन के लिए, चार गेंदे 16 रन, 4 के रन रेट से खेल रहे हैं, और ये बहुत बेहतरीन शॉट, 4 रन,
पांच गेंदे 20 रन क्या सबसे महंगी ओवर होगी सीपीएल की बाबू की? एक बार बाबू अपने ओवर के आखिरी गेंद लेकर हंसने के लिए नॉट आउट, अंपायर का इशारा नॉट आउट, ओवर की समाप्ति मुफीस, एक ओवर 20 रन। आजाद सेना के काफी घातक प्लेयर थे आकिब लोनबाल, वो पीछे कीपर नहीं थे इसीलिए उनकी हार हुई, अगर वो रहते तो यकीनन पीछे से बोल बोल के हरा देते। रफी सुसे जो के बैठे हुए, सोहेल सुसे बहुत खुश है उनकी टीम इतनी फॉर्म में, और साजिद गुदगुदा हंस रहे, होठ के अंदर हंस रहे कैफात और साजिद, आज कैफात का चश्मा नहीं है, एकदम स्मार्ट दिख नहीं रहे हो। मुशर्रफ काफी घातक बैट्समैन है, गायकवाड़ था एक महिंद्रा स्पोर्ट में, बिल्कुल उसी तरह उनकी फिटनेस है, बैट पे आई तो सीधा बाहर। देखना है जुनैद मिर्जा मुशर्रफ के लिए अपने ओवर की पहली गेंद लेकर, ओ डॉट बॉल, कहीं पे निगाह है कहीं पे निशाना, हसनैन जिन्होंने मट्टी पीच के आधे से ज्यादा खत्म किए मल मल के हाथ। फिर से एक बार जुनैद अपने ओर की दूसरी गेंद लेके मुशर्रफ के लिए काफी बेहतरीन शॉट, कैच हो सकता है अली उसके नीचे, सिक्स, व्हाट अ शॉट, बाबू उसे जाम खुश। और हसनैन सुसे के 100 रन पूरे हो चुके हैं इस टूर्नामेंट में, पहले खिलाड़ी बने हसनैन सुसे 100। ओ व्हाट अ बॉल, डॉट बॉल, बाबू सुसे बहुत खुश है क्योंकि मोफिजान मुशर्रफ उनके सुपुत्र है और साजिद मुकरी के भांजे, और हसनैन के अब्बा भी आते हुए, 100 रन हो चुके हैं हसनैन के, डॉट बॉल, चार गेंदे 26 रन। जुनैद फिर से एक बार अपने ओवर की पांचवी गेंद लेकर, इस बॉल पे बाउंड्री आना जरूरी है और ये बैट को लगी मुफीस, अंपायर हसनैन स्ट्राइक अपने पास ही रखी है मुझे पता है क्योंकि बहुत अच्छा खेलते हो, यकीनन इस बॉल में बाउंड्री की जरूरत है। पांच गेंदे 27 रन। जुनैद अपने ओवर की आखिरी गेंद लेकर, और ये गेंद डाली नॉट आउट, अंपायर का इशारा नॉट आउट, ऊपर जाती हुई गेंद, और ये एक रन स्ट्राइक हसनैन काफी महंगा हो सकता है, ये मोहम्मद की एक गलती, कुछ जरूरत नहीं थी एक रन की। दो ओवर 28 रन, यकीनन ये ओवर कम से कम 10-15
तो बहुत अच्छा स्कोर बनेगा। क्या मोहम्मद की एक गलती भारी पड़ सकती है शाह जिले उनको, क्योंकि उनकी बैटिंग लाइन अब बहुत अच्छी है। जया लोनबाल काफी घातक गेंदबाज है लेकिन वो चल नहीं पा रहे, काफी धुलाई हुई उनकी और आसनैन सामने उनके तो डर रहे शायद। वो टाइम पलट लगा ना नारायण जी, मुन्ना अंसारी पानी लेके जा रहे, आसनैन आउट होगा अभी। आसनैन के अब्बा बहुत खुश है, वो कमेंट्री बॉक्स में आकर बैठे। 100 रन हो गए आसनैन के, अभी 1000 रुपये आसनैन के अब्बा यकीनन देंगे उनको। 2 500 के नोट अभी जेब में हाथ डाला है उन्होंने और 2 नोट निकाले, इधर स्टेज पे आन दो। नोट दिख नहीं रहे अशरफ चा, विची दिखते माना थी। बोलर आए जया लोनबाल, इलियास लोनबाल के सुपुत्र, काफी घातक गेंदबाज है। और आसनैन सुसे, देखना है जयान की गेंद, शॉट बॉल और आउट हो सकते हैं अफसर उसके नीचे और आउट। जयान जाम खुश, मैंने पहले ही कहा था मेरा भविष्य फेल नहीं आएगा, ये मुन्ना गया पानी लेके और आसनैन आउट होगा। साजिद मुकरी लेजेंड खिलाड़ी, 45+ के ऊपर है वो, काफी खतरनाक खिलाड़ी। और ये देखना आलिस उसे उसके नीचे के सिंगल होगा या डबल, बहुत बेहतरीन फील्डिंग आलिस उसे की। रन ओवर के अभी भी 4 गेंदे बाकी, अगर जयान 40 के अंदर रखते हैं स्कोर तो बहुत बेहतरीन मैच होगी। मुशरफ 1 ही रन मिलेगा, 30 रन, 3 गेंदे ओवर की बची हुई, अगर 2 बाउंड्री आती है तो अच्छा स्कोर होगा, नहीं तो शाह जिले उनकी बल्लेबाजी बहुत बेहतरीन है। और दोस्तों आपको बताता चलो कि साजिद मुकरी की जो बैट है ये उन्होंने अपनी तिजोरी में रखी हुई है कबाट में, जान से ज्यादा संभाली हुई बैट है। जयाल लोनबाल काफी बेहतरीन गेंदबाजी, देखना है ओवर की 4थी गेंद साजिद के लिए और बहुत बेहतरीन गेंदबाजी। मोहम्मद खराब कीपिंग कर रहे हैं मोहम्मद, ओ क्या बच्चे कौन है, सरिता के बेटे हमारे अनुज, लॉन्ड्री वाले सरिता फेमस लॉन्ड्री उनके बेटे है वो अनुज, क्या बेहतरीन कीपिंग की उन्होंने। चार बॉल 31 जयान, क्या बेहतरीन गेंदबाजी की उन्होंने, जयान की चाल बदलती हुई इस तरह की गेंदबाजी की उन्होंने और रनिंग भी थोड़ी बढ़ रही है, वो लाइन के आगे आ गए अभी वो। देखना जयान अपनी ओर की 5वीं गेंद लेकर मुशरफ के लिए और ये कैच हो सकता है जुनैद उसके नीचे, डॉट 4 रन। जुनैद ने कल से कोई फील्डिंग खराब एकदम, नको शिकवस येतो मलराग, आय कुण घेना माझा नीट जरावा। व्हाइट बॉल, रन कितने 36 रन, ओवर की आखिरी गेंद बाकी है, अगर लास्ट बाउंड्री आती तो अच्छा स्कोर हुआ क्योंकि गेंदबाजी काफी बेहतरीन है। अरमान मिसाल काफी खतरनाक है, कटली वॉश और ये देखना है जुनेद उसके नीचे, 2 रन आसानी के साथ, मुशरफ थक चुके। 39 का टारगेट रखा है शाह जिले उनको, इससे पहले की मैच 39 चेस नहीं हुए थे आजाद सेना के, और गेंदबाजी काफी बेहतरीन है यूए 11 की।
स्कूल को बुलाओ, एकाद को इसको आता नहीं लिखते। अरे गमता ही गया वो मेरे। अस दहा दहा नंबर से सरकार पंडरी पड़ के किंग मेकर मन तो भेटले जवा मी गुण्यात सिबराल नोनबाल मेरे छोटे भाई जमीर के द वंडर बॉय ऑफ बड़ोली वो नाम से जाने जाते हैं। उनके चेहरे पे हमेशा बत्तीसी का लड्डू ही होता है, खाली हंसते ही रहते हो। उनका नाम मैं इसीलिए बत्तीसी का लड्डू रखा है। अब जान सुसे हाजी साहब उनका भी स्वागत है। बोल दिया क्या मुफीस? बोल मुन्ना अंसारी बोल दो। दो रन पेनल्टी का पे टी शर्ट ने पेनल्टी लगा इन पे से टी शर्ट ने गाइपात के ट्रैक चलेगी टी शर्ट नहीं चलेगा ट्रैक चलेंगी वो माफ है। अली सुसे अगर यकीनन वहां रहते हैं तो आसानी से जीत सकती है साज इलेवन और उनको भी चांस है। आजाद सेना छह में से चार जीत चुकी है। तुम पांच में चार है ना? पांच में से चार यूए इलेवन, पांच में से चार फाद वॉरियर्स, एच यू इलेवन छह में से तीन जीत चुकी है। साज इलेवन छह में चार है। अरे वाह, तुम भी लेवल में। देखना अरमान काफी बेहतरीन गेंदबाजी करे इस और ये हसनैन उसके नीचे चार रन। एक बॉल चार रन 39 चेस करना है। अभी भी 17 के नंबर 35 रनों की जरूरत। दो के रन नेट से अगर खेलते तो भी जीतती है और आलिस उसे जब तक क्रीज पर रहेंगे तो यकीनन साज इलेवन आराम से जीत सकती है। 12 नो बोल दो। अंपायर क्या करते उधर? काटा करो इनका। आरा खिलाड़ी पहला रिकॉर्ड यूए स्पोर्ट सबसे सीनियर खिलाड़ी इनमें दिया नो बॉल पांच रन। देखना एक या दो एक ही रन लेना चाहिए आली। एक चेंडू सहा धावा। इबाद आया, इबाद ने सूफी को भगाया है। अगले साल सूफी भुरे को बेंड, सूफी भूरे बैंड हो चुका है अभी ओडोली सीपीएल से। एक बॉल छह रन जीतने के लिए अभी भी 33 रनों की जरूरत। 17 गेंदे इजी मैच है। अगर आली रहते हैं तो यकीनन जीत जाएंगे। और बाबू काफी बेहतरीन शॉट और कैच शायद उसके नीचे व्हाट अ कैच। सरप्राज आए, सरप्राज अंसारी, मुन्ना अंसारी, कलीम अंसारी, सलाउद्दीन अंसारी चार भाई है और उनके भांजे जो थे शाहिद अंसारी। अभी अगले मैच में जिसका टी शर्ट ने रेंगा दो रन की पेनल्टी सीधा पैंट ने पैंट।
पैंट होने रे, पैंट गड़बड़ की तुमने, कपड़े गलत दिए तो क्या करेंगे फिर? चलो अरमान फिर से एक बार सरप्राइज, और एक बहुत बेहतरीन शॉट, और रन आउट का चांस लेकिन छोड़ दिया साजिद ने। तीन गेंदे छह रन, काफी बेहतरीन गेंदबाजी, जीरो बॉल पे फाइव रन थे, तीन गेंदे छह रन, तीन गेंदों में सिर्फ एक ही दिया अरमान ने। फिर से एक बार अरमान अपने ओर की चौथी गेंद लेकर सरप्राइज के लिए, बहुत बेहतरीन गेंदबाजी, व्हाट अ बॉल, टॉस हुई गेंद उनकी, बड़े बॉलर की यही निशानी होती है। जीरो बॉल में पांच रन थे, अभी चार गेंदों में छह, सिर्फ एक ही रन खर्च किया है चार गेंदों में। अरमान जो कि इंग्लैंड के रिच टॉपली है, उसकी याद आती है मुझे उनको देखकर, और ये आउट हो सकते है। अल्लाह हस्ते हस्ते उधर से हाथ दिखाते हुए, चार रन के सिक्स है, हसनैन चीता है तू, तुम्हारी कैद थी हसनैन। हसनैन कैफास को अधिकार है, कैफास हसनैन को, दोनों कह रहे थे कि सूरज यहां से निकला है, वो कह रहे थे वहां से निकला है, और बीच से गेंद चली गई, पांच गेंद दस रन, बहुत बेहतरीन गेंदबाजी, और सरफराज जो कि अंडरम पे मेरे साथ खेला करते थे, उनका एक रिकॉर्ड था कि उन्होंने पांच गेंदों में पांच सिक्स मारे थे, और पांच गेंदों में पांच सिक्स दिए भी थे। इसके बाद की होने वाली मैच आजाद सेना और यूए 11 साजिद मुकरी फैन टीम कैफात लोनबाल, और दो ओवर का मैच रहेगा एक बजे तक। हमारे बीच अली रजा आते हुए पठान, जो कि गांव की मशहूर हस्ती है, योगेश जादव जाते हुए, उनकी कार में 10 लोग बैठे हुए, वर्ल्ड रिकॉर्ड। कैफाज लोनबाल अपने ओर की पहली गेंद लेकर अली सुसे के लिए, देखना है, और ये चार रन, बहुत बेहतरीन शॉट अली का, जब तक अली है वहां पर। मैं निकला रस्ते पर, वो सड़क में एक मोड़ आया, मैं उठ दिल छोड़ आया, एक मोड़ आया। एक और एक बोल, 14 रन। आमिर सुमो है, आवाज नहीं आ रही उनको, साजिद मुकरी काफी टेंशन में, मैच अगर जीतते हैं तो क्वालिफाई के उनके बहुत चांस बन सकते हैं। कैफाज अपने ओर की दूसरी गेंद लेकर अली के लिए, और ये कैच हो सकता है, कैचेस विन द मैचेस, नहीं, लोनबाल के लड़के ने काफी बेहतरीन कैच, सोहेल ने उसको गोद में उठा लिया है, टर्निंग पॉइंट ऑफ द मैच। पॉइंट ऑफ द मैच कैफा, देखिए शेर बुड्ढा हुआ फिर भी क्या हुआ, धार वही आज उनकी, 30 प्लस है वो, मैं ज्यादा हूं, मैं 28 का हूं। 14 रन, एक ओवर दो बॉल, धा बोलात 25 धावांची गरज, खेलने के लिए आ रहे जुनेद मिर्जा, गुजरात में काफी बेहतरीन खेलते हैं, गुजरात प्रीमियर लीग में भी जाते हो, लेकिन यहाँ पर फुलाप हो रहे हो। इम्तियाज सुसे बीजेपी के खाजिंदार आए हुए, उनका स्वागत है, वाइट है मोपिस, अरे थोड़ा घूमना तू, वाइट बोल। और जुलकर लोनबाल बीजेपी के उपाध्यक्ष, उनका भी स्वागत है, सियाम डैशिंग पर्सनालिटी सियाम सुसे, रन 15 ना रे 15।
और ये चेरन वाटर शॉट बहुत ही लंबा। एक और तीन बॉल 21 रन। एक अगर जुनेद रहते वहां तो आसानी से जीत जाएंगे साज 11। छाती फोड़ डाली कैफात की, कुटून काढलेला कैफात यांना। अशरफ सुसे जाम टेंशन मध्ये, ते सलिया घेऊन येत आहेत। 8 गेंदे 12 रन। साजिद मुकरी आखिरी गेंदबाज अगर 10 रखते तो यकीनन चैलेंज होगा। और जुनेद क्या इसी ओवर में खत्म करते हैं? ओ सुसे उसके नीचे चीते की रफ्तार है। देखिए फील्डिंग, एक ही रन मिलेगा। गच्चार से अट्रैक्शन, सात गेंदे 11 रनों की जरूरत। उमेर लोनबाल 2 रन है 2 दादा 2 धरले 10 पाहिजे मग 10 रनों की जरूरत। 7 गेंदे उमेर लोनबाल, उनका स्वागत है एचयू के ऑनर और कैफी लोनबाल के दामाद। और ये काफी बेहतरीन शॉट, ये देखिए जो फील्डिंग खराब की थी, 1 रन यही नतीजा हुआ। 4 रन है, अगर सरफराज होते तो डॉट भी हो सकती थी। 1-1 रन कीमती होता है। ये एक ओवर में कितना, 1 ओवर 6 रन। साजिद मुकरी वही गेंदबाज है जब युवा क्रांति टीम थी और मांगटने में मैच थी, 1 ओवर में 3 रन नहीं दिए थे उन्होंने। वही साजिद मुकरी फिर से एक बार, अब 1 ओवर में 6 रनों की जरूरत है। और मापोली में भी 6 रन नहीं दिए थे उन्होंने। सरफराज के लिए क्या करते साजिद मुकरी देखना है। और ये काफी सुपला शॉट, सरफराज का सुपला शॉट मारा है ये। 2 रन नहीं है, भागो। 3 रन, 3 रन गच्चा से। फील्डिंग से मैच हार जाएंगे यकीनन। यूए स्पोर्ट वो जो टर्निंग पॉइंट था, 2 रन जो दिए लास्ट में और चौका आया। 5 गेंदे 3 रन। जुनेद का जो कल स्टेटस था एकदम गम भरा दुखी उन्होंने रखा था, लेकिन आज उसकी वसूली कर ली कि मैं कल आऊंगा और खेल के बताऊंगा, आज दिन मेरा नहीं है। वो बॉलिंग सोहेल का गचार शतरक्षण, 1 रन। यकीनन यूए स्पोर्ट अपनी फील्डिंग की वजह से, देखिए 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 आउट, भागो, खत्म। नहीं भागा जुनेद, अरे थका है वो। 1 रन चाहिए, 4 गेंदे, 7-11 आराम से विन विन। साजिद मुगरी बहुत टेंशन में हार मान ली फील्डिंग की वजह से। ताज उराने साजिद मुगरी भेजो आजाद से ना। स्कोर बोर्ड के लिए दूसरा कोई आए, यहाँ जो बैठे उन्हें स्कोर बोर्ड लिखते नहीं आता है।